अर्बन ज्योग्राफी की यूट्यूब लेक्चर सीरीज में मैं आज आपको प्राचीन सुमेरियन नगरों किश, लारसा, इसिन, उमा व नीपुर की जानकारी दूंगी। अन्य मेसोपोटामियन नगरों विशेषकर बेबीलोन व असीरियन नगरों का अध्ययन हम आगे आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। प्राचीन किश नगर यूफ्रेटिस रिवर के पूर्वी किनारे में फ्लड प्लेन में 3200 BCE से 2900 BCE के मध्य स्थापित हुआ था। अर्ली डायनेस्टिक पीरियड अर्थात 2900 BCE से 2300 BCE के मध्य के समय यह अपने विकास के चरम पर था। प्रसिद्ध अकेडियन किंग सारगोन का जन्म किश में ही हुआ था। यह अध्ययन का प्रमुख केंद्र था तथा अपनी स्कॉलरली ट्रेडिशंस के लिए जाना जाता था। वर्तमान में इसके अवशेष टेल अल उहेमिर में पाए गए हैं, जो कि मध्यवर्ती दक्षिणी इराक में बगदाद से 80 किलोमीटर दक्षिण में स्थित आर्कियोलॉजिकल साइट है। प्राचीन किश नगर के लाल ईंटों से निर्मित जिगुरात के कारण इस टेल साइट को उहेमिर नाम दिया गया है, जिसका अर्थ होता है रेड कलर। उहेमिर के अलावा इंगहारा टेल भी एक अन्य महत्वपूर्ण किश आर्कियोलॉजिकल साइट है। इन दो टेल्स के अलावा चार अन्य टेल साइट्स भी यहाँ पाई गई हैं। किश की इन टेल आर्कियोलॉजिकल साइट्स की खुदाई से दो जिगुराट्स, ग्रैंड पैलेस, रॉयल सेमेट्री के अवशेष मिले हैं। साथ ही खुदाई के द्वारा कॉपर वेपन्स, वेसल्स, गोल्ड व सिल्वर ज्वेलरी, चैरियट व्हीकल के प्रमाण भी मिले हैं। चित्र में आप प्राचीन किश नगर की विभिन्न टेल आर्कियोलॉजिकल साइट्स व प्राचीन जिगुरत के अवशेष देख रहे हैं। किश के जिगुरत का निर्माण प्रसिद्ध बेबीलोनियन किंग नेबुकेनेजार सेकंड के द्वारा 600 BCE के आसपास कराया गया था। प्राचीन इसिन नगर दक्षिणी सुमेर में नीपुर नगर के दक्षिण में स्थित था। इसकी आर्कियोलॉजिकल साइट वर्तमान में दक्षिणी इराक के अल कदीसियाह के ईशान अल बहरियात में पाई गई है। यह भी अन्य अर्ली सुमेरियन नगरों की तरह ही सिटी स्टेट था तथा यहाँ डायनेस्टी स्थापित थी, जिसका कालखंड लगभग 1950 BCE से लेकर 1700 BCE के मध्य रहा। प्राचीन लारसा नगर उरुक के दक्षिण पश्चिम में यूफ्रेटिस रिवर के पूर्वी किनारे पर स्थित था। यह नगर लगभग 5000 BCE
में उबेड पीरियड में स्थापित हुआ माना जाता है तथा यह इस क्षेत्र में बाद में स्थापित हुए विभिन्न साम्राज्यों के अधीन भी पार्थियन पीरियड तक सर्वाइव करता रहा। लार्सा नगर का कालखंड 3000 BCE से 1750 BCE के मध्य महत्वपूर्ण रहा है। इसमें से भी इसिन लार्सा पीरियड जो कि 2004 BCE से 1763 BCE के मध्य का समय है अधिक महत्वपूर्ण है। इस समय लार्सा ने निकटवर्ती इसिन डायनेस्टी व दक्षिणी मेसोपोटामिया के अधिकांश क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था, साथ ही उत्तर के निपुर नगर को भी अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। ओल्ड बेबिलोनियन पीरियड में लार्सा बेबिलोन साम्राज्य की राजधानी रहा। लार्सा एक महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर था जिसका दूर दूर तक की सभ्यताओं से व्यापार होता था। लार्सा के इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ व्यापार के प्रमाण मिलते हैं। खुदाई के द्वारा पैलेस, जिगुरात आदि के अवशेष भी मिले हैं। प्राचीन लार्सा नगर की आर्कियोलॉजिकल साइट दक्षिणी इराक के टेल अल सैक्रह में स्थित है। प्राचीन नगर उमा सुमेर के मध्यवर्ती हिस्से में लगाश के पश्चिमी दिशा में स्थित सिटी स्टेट था। उमा का निकटवर्ती लागाश के साथ एक लंबे समय तक बॉर्डर डिस्प्यूट रहा। इस बॉर्डर डिस्प्यूट में प्रारंभ में लागाश का उमा पर डोमिनेंस रहा। 2450 BCE में लागाश ने उमा पर अधिकार कर लिया। हालांकि लगभग 100 साल बाद उमा ने न केवल लागाश बल्कि उरुक व अधिकांश सुमेरियन नगरों पर अधिकार स्थापित किया। उमा के सुमेर पर प्रभाव का अंत 2330 BCE में अकेडियन किंग सारगोन के सुमेर पर अधिकार करने के साथ खत्म हुआ। प्राचीन उमा नगर की आर्कियोलॉजिकल साइट इराक के मध्यवर्ती दक्षिणी हिस्से में टेल जोखा में स्थित है। प्राचीन सिपर नगर सुमेर के उत्तरी हिस्से में यूफ्रेटिस रिवर फरात नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित था। इसकी स्थिति बेबिलोन नगर के उत्तरी दिशा में थी। प्राचीन सिपर नगर के अवशेष मध्यवर्ती इराक के टेल अबू हबाह में एक्सकेवेशन से प्राप्त हुए हैं। सिपर नगर के सुमेरियन पीरियड के इतिहास की जानकारी कम है, परंतु इतना अवश्य है कि यह ओल्ड बेबिलोनियन पीरियड का महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर था। इसके पूर्वी व पश्चिमी दिशा की अन्य सभ्यताओं के साथ व्यापारिक संबंध थे। यहाँ शमाश देवता का प्रसिद्ध मंदिर स्थित था। सिपर से कई प्राचीनकालीन
महत्वपूर्ण क्ले आर्टिफैक्ट्स प्राप्त हुए हैं। चित्र में आप प्राचीन सिपरनगर से प्राप्त हुए न्यू बेबीलोनियन पीरियड अर्थात लगभग 600 BCE के आसपास के समय में निर्मित उस समय के ज्ञात विश्व के मानचित्र को देख रहे हैं, जिसमें क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट में जानकारियाँ लिखी गई हैं। यह क्ले टैबलेट मैप सिपरनगर से एक्सकेवेशन द्वारा प्राप्त हुआ है, जो वर्तमान में ब्रिटिश म्यूजियम में संरक्षित रखा गया है। चित्र में आप नियो सुमेरियन पीरियड के उर नामू राजा की सिलेंडर सील देख रहे हैं। सिलेंडर सील का विकास प्राचीन सुमेरियन नगर उरुक में लगभग 3500 BCE के आसपास हुआ था। सिलेंडर सील या तो क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट में लिखित टेक्स्ट या कोई प्रतीकात्मक चित्र युक्त होती है, या ऐसा भी हो सकता है कि सिलेंडर सील में स्क्रिप्ट व चिन्ह दोनों एक साथ हों। सिलेंडर सील का प्रयोग इसके इम्प्रेशन गीली क्ले टैबलेट पर छापने के लिए किया जाता था। चित्र में आप शमाश देवता या सन गॉड की सिलेंडर सील देख रहे हैं। इस सील की बनावट से ये पता चलता है कि इसे सिपर की वर्कशॉप में बनाया गया था। प्राचीन मेसोपोटामियन नगरों की खुदाई से न केवल क्ले टैबलेट्स प्राप्त हुई हैं, अपितु विभिन्न प्रकार के क्ले आर्टिफैक्ट्स कलाकृतियाँ भी प्राप्त हुई हैं। इसी तरह विभिन्न प्रकार के क्ले पॉट्स मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। चित्र में आप क्ले कोन आर्टिफैक्ट्स मिट्टी से बने कोन आकार के कलाकृतियाँ देख रहे हैं। ऐसी कई कलाकृतियाँ विभिन्न आकारों में सिपरनगर से एक बड़ी संख्या में प्राप्त हुई हैं, जिन पर क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट में लिखा गया था।